रहमान रहीम, तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबा जहाँ जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और ये PS-94 और NA-241 है। यहाँ पर जो PS है उसको तो MQM पाकिस्तान ने विन किया, अलबत्ता NA-241 से तहरीक इंसाफ जीत गई। अहले इलाका किस हाल में है और आवाम क्या सोचती है, क्या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बुनियादी सहूलतें हैं आवाम को मिली हैं नहीं मिली हैं, कोशिश होगी यहाँ की जो इंतज़ामिया है उससे भी बात करें और आवाम किन मसाइल को फेस कर रही है, क्या तब्दीली लांडी कुरंगी और इन इलाकों में आई, अवामी जो नुमाइंदे हैं क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दे रहे हैं नहीं, आए अवाम से बात करते हैं। इस वक्त भी एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल, अभी मेरे अकब में भी ये पानी है और ये सिर्फ का बुरा हाल है, किसकी ना है लिए? ये हमारे यहाँ के लीडरों के कमालात होते हैं, इसके अलावा किसके हो सकते हैं। मैग में सो रहे हैं और वो कपड़ियों पर गए हुए। देखें, काम कोई भी हो, इलेक्शन का इससे ताल्लुक बाद में होता है, काम हुआ या नहीं इससे पहले होता है। उस बोर्ड का फायदा क्या है जो देने के बाद भी वैसे ही लाके रहे? तो किसको किसको वोट किया था? मैं 20 साल से किसी को नहीं कर रहा। दिल खराब हो गया आपका? बिल्कुल, क्योंकि मैं मुर्दों में रहता हूँ और जिंदों को ढूंढता हूँ। जब आते हैं कैंपेन चलाने कि हमें वोट दो, कोई कहता है कि अपनों को वोट दो, कोई कहता है कि रोटी कपड़ा मकान हमारा मैनिफेस्टो है। वो दौर खत्म हो गया, रोटी कपड़ा मकान वाला दौर जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब दौर सिर्फ रह गया है वोट दो या ना दो, आपका वोट डल गया। अभी भी ऐसा हो रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी मौजूदा हुकूमत इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ला रही है कि आप अंगूठा लगाएंगे वोट लगेगा, मतलब वो वाला सिस्टम नहीं होगा जो पहले डब्बे गायब होते थे? देखें, डब्बा गायब करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ पहुँच जाती हैं, उससे सारे काम हो जाते हैं। जो कंप्यूटराइज आपके वोट अभी होने के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है, इसको आप कैसा देख रहे हैं? ये सिर्फ दिखावा है, हकीकत कुछ और होती है। क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, आपको जो शिकायत है मर चुकी, जमहूरियत मर चुकी, अब तो बदमाशी दौर चल रहा है, डाकुओं का हुक्मरानी वाला हिसाब जिस पर कोई कुछ भी कर सकता है। सिंध हुकूमत से तीसरी बार साहिब इक्तदार है सिंध में, कितने मुतमईन हैं, कितना काम हो रहा है? सिर्फ 20%, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ 20% काम हो रहा है ये आवाम कह रही है। कुछ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे भी हम बात करें कि ये जो अहले इलाका के जो ये मामलात हैं, क्या सड़कें इनकी अभी तक नहीं बनी, अभी तक जो सेवरेज का निज़ाम है वो धर्म भरम है? आप हमारे साथ चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। कहने जा रहा हूँ, ये गन जो है ना 4 साल से चल रहा है। चार साल से एक महीना बंद होता है फिर पानी आ जाता है इधर, एक महीना बंद होता है पानी आ जाता है। इलाके वाले मिलके काम कराना चाहते, एक साहब आए थे हम करा रहे हैं, दूसरे साहब फोन कर रहे थे हमने बुलाइए, तीसरे साहब आए थे हम करा रहे हैं काम। इस तरीके से काम रुका हुआ और अभी खुद इलाके वाले अपनी मदद करके करते हैं, थोड़े दिन ले जाते हैं। इलाके वाले अपनी मदद से करें अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने जिनको आप लोगों ने वोट दिया था वो लोग वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम आ गए जी हम करा रहे हैं, वो 10 दिन आते हैं उसके बाद पानी शुरू। आप लोगों ने शिकायत की कोई रहे दरख्वास्त? शिकायत तो बहुत सी की, बहुत सी, लेकिन आते हैं देख के जाते हैं। अभी आए थे बीच में ये गटर वटर साफ करके गए, गाड़ियाँ आई थी गाड़ियाँ करके गई, फिर पानी बन गई, ये पानी आगे से आता है। कामे पाला को क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज? कामे पैगाम को ये देंगे कि उनको चाहिए वो आगे आगे सर्वे करें, देखेंगे इलाके वाले किस कर परेशान है और क्या परेशान है। बीमारियाँ फैल रही होंगी, बीमारियाँ मच्छर है, बीमारियाँ फैल रही हैं, मच्छर है, कुत्ते बिल्ली मरे हुए पड़े हैं, उनकी बदबू फैल रही है, उससे बहुत बीमारियाँ हो रही। आपने किसको वोट किया था? अरे वोट तो हमने दिया था वोट वाले को भाई, नहीं कहाँ कहीं नजर आ रहे हैं आपको? मुतमईन है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से या विफाक की PTI की कारकर्दगी से? तो मुतमईन है लेकिन काम नहीं कर रहे, नीचे का हमला काम नहीं कर रहा, ऊपर वाले तो कहते हैं लेकिन नीचे का हमला काम नहीं कर रहा। जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आ रही है कंप्यूटराइज वोट होने के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है, इस अमल को कैसा देख? इस अमल को ऐसा है कि मशीन तो चलाएंगे इंसान ही ना, मशीन खुद तो चलने से नहीं, अब जो आप मशीन बनाएंगे वही निकलेगा, अब ये तो देखेंगे क्या होता है। चले जी आप हमारे साथ आइए,
और लोगों से भी बात करते हैं। और यहाँ जो इंतज़ामिया है, यहाँ के जो MPAs हैं, जो ग्रास रूट पर आम आवाम के साथ रहते हैं, वो किस कदर संजीदा हैं, उनकी क्या मामलात हैं, आए उनसे भी बात करते हैं। आप हमारे साथ चलें। जी, एक और जगह पर हम मौजूद हैं, कोरंगी 6 का ये एरिया है। यहाँ पे भी अगर आपको रमीज दिखा सके कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने कितने तरक्याती काम करवाए हैं और कितने होना बाकी हैं, आम आवाम से भी बात करते हैं और यहाँ के इंतज़ामिया और यहाँ के जो मेंबर सूबाई असेंबली है उनसे भी हम बात करेंगे। पहले आम लोगों से या यहाँ पे जो दुकानदार हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि वो मौजूदा वफाकी हुकूमत के 3 साल और सिंध हुकूमत के 13 सालों की कारकर्दगी पे क्या कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताइए, अभी तक तो टूट फूट का ही शिकार है और सुनने में ये आया कि बहुत सारा काम हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। ये हम कोरंगी नंबर 6 पे खड़े में हैं, UC 25 है और 6 नंबर मार्केट है। ये जहाँ आप खड़े में हैं ना साजिद भाई, तो यहाँ पे 1-1 फीट पानी होता था गटर का, क्योंकि यहाँ लाइनें नहीं थी। ये हमारे MNA जो हैं इकबाल भाई, उनके फंड से हमने लाइनें डलवाई हैं। MPA गुलाम जिलानी भाई के ताउन से तो ये लाइनें डली हैं। सामने वाला रोड देखेंगे, ये लड़कियों का कॉलेज भी है, स्कूल भी है, ये दोनों रोड डले हैं। और ये काफ़ी तकरीबन 1-1 किलोमीटर के रोड हैं दोनों। ये भी इकबाल भाई के फंड से डले। आगे चले जाएँ, ये सिर्फ UC 25 की बता रहा हूँ मैं, 44 डिग्री कॉलेज है वहाँ पर भी रोड सर्विस रोड। अभी हम कुछ मकामात से आए हैं, वहाँ पे सेवरेज का बुरा हाल था और पानी गटर बह रहे थे, तो क्या इलाके बटे हुए हैं या आप तो पूरे कोरंगी के जो इंतज़ामिया है, जो यहाँ के MPAs MNAs हैं, क्या वो नहीं आते? नहीं, बिल्कुल आते हैं। MPA भी आते हैं, MNA भी आते हैं, आवाम के साथ मौजूद होते हैं। और मैं आपको बताऊँ, 2.5 नंबर तक जो कोस्ट गार्ड कोरंगी तक हमारे MNA इकबाल भाई, लांडी से लेके कोस्ट गार्ड तक, उससे आगे फहीम खान भाई हैं, PTI के MNA वो, तो हमारा हल्का जो लगता है इकबाल भाई का 2.5 नंबर तक लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये UC 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 35 में भरपूर काम करा है इकबाल भाई ने। आवाम इकबाल भाई को दुआ देती है। और ये जो खड़े में आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन वफाकी हुकूमत ला रही है कि वो जो पहले मामला हुआ करते थे, डब्बे भी गायब और ठप्पा माफिया, इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये देखें, ये सब इल्ज़ाम है, पहले भी इल्ज़ाम थे, ये सही है ना, पहले भी इल्ज़ाम थे और आना चाहिए। कंप्यूटर अभी हुआ है, कंटोनमेंट का इलेक्शन देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को अपना सिंध में 10 सीटें मिली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब हमने वोट डाला है, सही है। उससे पहले अभी इलेक्शन हुआ था तो उसमें हमारे बजाज भाई थे लांडी में, MPA उनका इंतकाल हो गया था, हाशिम रजा भाई आए, तो आवाम ने वहाँ भी पतंग पे लगाई है। आप कैसे देख रहे हैं कारकर्दगी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जो वसीम भाई हैं UC के और हमारे MPA MNA, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक आवाज़ के ऊपर आते हैं और हमारे ये जितने भी काम हैं। अच्छा, एक फंडिंग की भी ज़रा इन लोगों के पास थोड़ी इशू आ रहा है, इनको फंडिंग नहीं मिल रही है, तो इस हवाले से हमारा काम लेट तो हो रहा है मगर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये सब सेवरेज का निज़ाम था, सारे रोड पर पानी भरा हुआ था मगर इन्होंने ऐसा काम करा, लगभग पानी क्लियर हो गया। अच्छा, आपको कैसे पता कि फ़ंड नहीं है? अक्सर हम देखते हैं पॉलिटिशियन हजरात फंड का रोना रोते हैं, ये हकीकत पर मबनी है बात? बिल्कुल हकीकत के ऊपर है, क्योंकि ये हम भी देख रहे हैं, हम भी ताजिर हैं, तो हमें नज़र आ रहा है। और ये ख़ास तौर पर मैं नाम नहीं लूँगा किसी पार्टी का, हमारे को ज़बरदस्ती माजिरों को जो दीवार से लगाया जा रहा है ताकि हमारे इलाके में काम ना हो और हम माजिर जो है ना, हम लोग नाम लें, जमहूरियत है, अगर किसी से कोई शिकवा है आपका? भाई पीपल्स पार्टी से मैं बहुत शिकवा है, क्योंकि हमारे इलाके में काम नहीं करने देती पीपल्स पार्टी। हमारे ये हम माजिरों को जो है ना बिल्कुल दीवार से लगाया गया है, और हमारे वसीम भाई, हमारे जितने भी हमारे MPA MNA हैं, इन लोगों को बिल्कुल दबा दिया गया है और इनको ना फंड मिल रहा है। हमारे MNA इकबाल भाई वो अपने फंड से वफाक के हवाले से जो काम हो रहे हैं। ये जो सीट है इसमें फहीम खान है, तो वो तो वफाकी हुकूमत के हैं, वो तो PTI के हैं। फहीम भाई नहीं, हमारे इकबाल भाई की बता रहे हैं, जो काम कराए ना, तो इकबाल भाई के फंड से काम हो रहा है जो भी हो रहा है, ये हमारे इलम है, क्योंकि हमें भी यहीं रहते हैं। तो आपका कहना है सिंध हुकूमत की नजर से नहीं? बिल्कुल भी नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ सिंध हुकूमत ने हम लोगों को बिल्कुल दीवार से लगा दिया, बिल्कुल हमारा हम यहाँ आते हैं ऐसा लगता है। मैं अभी घूम कर आया हूँ, छोटे छोटे गांव इतने खूबसूरत बने हुए हैं पंजाब के और अंदरूनी सिंध के, और हम लोग कराची से शहर के अंदर इतने गंदे इलाके में रह रहे हैं, खुदा की कसम हमारा तो रहने को दिल नहीं करता यहाँ पर। हम कहते हैं हम भी उन्हीं गाँव में बस जाए सच्चा जाकर। ये शहर कायद है और पाकिस्तान की मईशत का हब है, आप ही आगे आ जाएँ, आप क्या कहेंगे कि कौन कसूरवार है कि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम वैसे ही है कि यहाँ तब्दीली नहीं आई? नहीं, यहाँ पे माशाल्लाह ये जो कहता है, इसी वसीम भाई के समझो से ना हमारा काम में आता है, इनके बाद हम कोई मसला लेके आते हैं,
हल करा देते हैं। लेकिन अभी भी सड़कें टूटी हुई हैं, ये देखें आप, और अभी तक गटर बह रहे हैं। ये नहीं, गटर का माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया यहाँ पे इस इलाके में, जब से इन्होंने यहाँ पे जो काम कराए, अभी गलियों में लाइनें डलवाई हैं, निकासी का तमाम बेहतर हो चुका है। अच्छा। जी जी, कोई कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकामे बाला को? नहीं नहीं, ये माशाल्लाह इनकी हमारे साथ खड़े हैं, और उसमें पानी का मसला हो, गटर का मसला, कोई भी हम इनके पास जाते हैं, फौरन सुनते हैं माशाल्लाह। आप आगे आ जाएं, आपको किन मसाइल का सामना है? क्या पानी घर पे आ रहा है? जी आ रहा है, टाइम पे आ रहा है, लेकिन अभी सड़कें तो टूटी हुई है। नहीं नहीं, हमारे एम पी ए ने जब काम करवाया हमारे कॉलोनी में, तो अलहमदिल्ला पानी भरपूर आ रहा है। किसको वोट दिया था? एम के एम को। अच्छा, मुतमईन है? जी बिल्कुल, जी जी। अच्छा, कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, ये जो सड़कें टूटी हुई हैं, इनका कहना है कि बनी थी, ये फिर टूट गई, क्या नाखिस मटेरियल था? नहीं नहीं, ये तो अभी सेवरेज के लाइन काम वाम हुआ है, तो इस वजह से टूटी हैं, क्योंकि अभी सामने के रोड वोड डलवाएँ, इक्यावन सीटें डलवाएँ, तो ये सेवरेज का इंतजाम क्लियर हो जाएगा, तो जाहिर बात है रोड भी दोबारा डलेंगे। चलें जी, आप आगे हैं, और मेंबर सूबाई असेंबली गुलाम जिलानी साहब भी आ चुके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, और यहाँ की जो मार्केट हैं और जो छोटी मोटी दुकानें हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो कैसे देखते हैं। रबीज़, मैं चाहूँगा कि आप आगे आएँ, मैं चाह रहा हूँ कि तमाम जो अहले इलाका हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, उनसे पूछें वो कैसा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे देख रहे हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम को? सड़कें तो अभी भी टूटी हुई हैं, 3 साल हो गए वफाकी हुकूमत को, क्या आपके इलाकों में तब्दीली नहीं आई? अगर आप ये कहें कि जनाब इलाके की तब्दीली नहीं आई, तो मैं ये कहूँगा कि नहीं आई, लेकिन आई है। जितनी कोशिशें हमारे एमपीए और एमएनए और हमारे चेयरमैन के हवाले से अगर कहूँ, तो नो डाउट अपनी सी पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट हमारी पास सिंध गवर्नमेंट है, इनको अगर कोई फ़ंड ना दे, इनके साथ में कोऑपरेट ना करें। आपको ये कैसे पता कि फ़ंड नहीं मिलते? आपको उन्होंने कुछ बताया, कुछ एविडेंस दिए? इसकी वजह ये है कि मैं खुद भी रابطे में हूँ, अभी मैंने हाल के अंदर हमारे सामने का ये रोड डाला, तो उन्होंने अपने फ़ंड के अंदर से मोहब्बतों के साथ में वो डलवाया। इसके बाद जो मजीद भी सीवरेज की लाइनें वगैरह हैं, वो हमने उनसे जब एम पी इकबाल भाई से बातचीत की, तो उन्होंने वो भी डलवाई हैं। लेकिन बाद में आके अगर मैं अभी कह रहा हूँ कि जी ये अभी ग्रीन बेल्टों का काम है, ये करवाना है, तो उसके लिए फ़ंड नहीं है, अगर है तो वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, मजबूर तो है ना। तो सिंध गवर्नमेंट के ये शराकतदार भी तो बन सकते हैं, ऐवान में बैठे हैं। मैं इतना तो आगे तक नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर वफाकी हुकूमत इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ला रही है, ताकि पुराना जो निज़ाम है उसको तब्दील किया जाए, टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वोट होगा, इसको कैसे निज़ाम को देख रहे हैं? आना चाहिए, इसकी ज़रूरत है? वफाक अगर ऐसा कोई काम कर रहा है और इसमें कोशिशों में अपनी कामयाब हो जाता है, तो हम सल्यूट करते हैं उनको कि वो ये काम यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि कराची की जो हालत ज़ाहर है वो वाकई ख़राब है, लेकिन हमारी बात है पाकिस्तान। सिंध हुकूमत कहती है कि हमें भी तो वफाक बजट नहीं दे रहा, 1100 अरब रुपये हमें भी तो नहीं मिले। वो तो 1100 अरब का उन्होंने जनाब अली कह के सिंध गवर्नमेंट को नहीं दिए, वो उनके अपने आपस के मसले मसाइल हैं। 1100 अरब का वादा ज़रूर किया था इमरान खान साहब ने, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, ये तो हमारे आवाम को तो नहीं पता कि उन्होंने दिए हैं या नहीं दिए। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी पार्टी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, कि जनाब अली एमक्यूएम पाकिस्तान, और जिसमें जिलानी भाई हैं हमारे इलाके के, एमपीए महमूद अली भाई हैं, डिप्टी इकबाल भाई हैं, और वसीम चेयरमैन में हुए, इनकी जो मेहनतें हैं, जो इनकी कोशिशें और काबिशें हैं, इनको हम सल्यूट करते हैं कि अपने इलाके में रहते हुए ये काम कर रहे हैं। चलें आगे, आगे आए, आगे आए, मैं बात करता हूँ गुलाम जलानी साहब, खुश आमदीद कहेंगे, आपने भी टाइम निकाला। अहले इलाका मिला जुला रद्द अमल आ रहा है, क्या अभी भी रुकावटें हैं? और कुछ बताएंगे कि ये फ़ंड का तो मामला हम बहुत पुराना सुनते आ रहे हैं कि जी फ़ंड नहीं है, कोई इसका फार्मूला भी तो तय करें कि ये फ़ंड क्यों रुकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ़ंड रुकना एक अलग चीज़ है, और फ़ंड ना होना जो है वो एक अलग चीज़ है। फ़ंड जो है वो इतना है कि उससे लोगों की जो सैलरीज हैं, डीएमसीज हुआ, केएमसीज हुआ, वो लोगों की जब सैलरी पूरी होंगी तो बाकी फिर आप मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, अगर कुछ बचता है तो। और अगर आप नए डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपके पास इतना पैसा है सिंध गवर्नमेंट के पास कि वो कोई डेवलपमेंट का नया काम जो है वो स्टार्ट कर सकें। और मज़े की बात मैं बताऊँ, अभी तक जो है वो डीएमसीज की सतह पर जो लोगों की सैलरीज हैं, गरीबों की, मज़दूरों की, वो अभी तक उनको पेड नहीं हुई। तो आज 16 तारीख तक जब लोगों को सैलरी नहीं मिली, तो वो जो 30,000, 35,000, 40,000 रुपये पे जो काम कर रहे हैं, लेबर है, सारी चीज़ें हैं, सैनिटरी वर्कर हैं, गाड़ियों का फ्यूल नहीं है, कचरे की सूरत हाल जो है इसी वजह से ख़राब है कि एक तो गाड़ियों की कमी है। पहले डीएमसी कोरंगी में, कोरंगी टाउन के अंदर सिर्फ जो है वो 27 से 28 गाड़ियाँ हुआ करती थी,
तीन पेयर में वो गाड़ियाँ चार चार यूसीज के हिसाब से डिवाइड हुई भी थी। अब सिर्फ पांच गाड़ियाँ हैं और 12 यूसीज हैं। सिंध हुकूमत का ये कसूर है या सिंध हुकूमत जिस तरह कह रही है वफाक पैसे ही नहीं दे रहा? मेरा ख्याल है कि सिंध हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि उनको वफाक से पैसा लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो मिल रहा है वहाँ से वो भी इतना है कि उससे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने का कोई तैयार नहीं है। और जो कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि 6,000 की डेस्क जो है वो 27,000 और 29,000 में बेच रहे हैं, तो फिर बाकी काम कैसे होगा? आप सिंध गवर्नमेंट के स्कूलों की हालत जाके देखें, किसी के अंदर बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, किसी की क्लासें ऊपर से जो है डैमेज हो रही हैं। तो जिस तरीके से तालीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं या फिर तालीम के लिए जो स्ट्रक्चर तामीर हुआ है उसका जो है वो अलग बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर आपको अभी मैं विज़िट कराऊँगा तो मेरा ख्याल है कि हमारे सिर्फ कोरंगी जोन के अंदर 12 यूसी में 28 स्कूल इस हालत में हैं कि किसी वक्त उनकी छतें जो है वो नीचे गिर सकती हैं। आधी क्लासेस में बैठने के लिए डेस्कें मौजूद नहीं हैं, लोग बच्चे जो है वो दरियों पे बैठ के जो है वो पढ़ रहे हैं, और 6,000 स्कूल बंद करने की बातें कर रहे हैं। तो भाई ये स्कूल चल क्यों रहे थे? 13 साल से आप ही लोग इस गवर्नमेंट में बरजमान हैं, वज़ीर आला आपका है, सारी चीज़ें आपके पास हैं, वज़ीर तालीम आपका है। तो ये जो 13 साल का हिसाब है 6,000 स्कूलों में, अगर एक स्कूल में आप 3 से 4 टीचर भी रखते हैं तो ये तकरीबन जो है 18 से 20,000 की अफरादी कुव्वत हो गई जिनकी सैलरी कहाँ जा रही थी। अगर ये 18,000 को अगर 13 साल से मल्टीप्लाई करें और फी सैलरी जो है वो 40 से 50,000 रुपये भी आप रखते हैं एक टीचर की, तो ये अरबों और खरबों रुपये का स्कैंडल है। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बने, कुछ हल्कों से ये आवाज़ थी कि अब कुछ मामला बेहतर होंगे, क्या आपको नहीं लगा मुर्तज़ा वहाब के भी क्या हाथ रुके हुए क्या? देखिए मुर्तज़ा वहाब के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, और जिस तरीके से पूरी सिंध गवर्नमेंट जो है वो करप्शन में डूबी हुई है, तो ये शख्स उसमें क्या आगे जो है वो इतना अच्छा काम कर सकेगा या क्या कर लेगा? अगर रात के 3 बजे आप कंटोनमेंट के एरिए में खड़े होकर और बोलेंगे कराची में पानी नहीं है और सैवरेज साफ है और सड़कें साफ हैं, बारिश का पानी जो है निकल गया है, तो भाई वहाँ तो काम हो रहा है, कंटोनमेंट काम कर रहे हैं ना, उसका सिंध गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है? आप आए मेरे साथ चल के लियाकताबाद का विज़िट करें, कोरंगी का विज़िट करते हैं। पहले आप बहुत आ रहे थे कोरंगी में जब आपके पास मसाइल नहीं थे, वसाइल नहीं थे, कुछ नहीं था आपके पास, जब आप तो बहुत आ रहे थे, एक एक हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो है वो आप यहाँ पर आ रहे थे और विज़िट कर रहे थे। अब क्यों नहीं कर रहे? अब आप डिफेंस के कैप्टन या बहुत ज़्यादा तीर मारते हैं तो आप गुलशन का एक विज़िट करके जो है खामोशी से चले जाते हैं। आएँ सरजानी का विज़िट करें, नागन चौरंगी का विज़िट करें, 4K चौरंगी का विज़िट करें। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? फ्लाई ओवर और अंडर पासिस बनाए जा रहे हैं मुख्तलिफ कराची के इलाकों में, आप यहाँ के MPA हैं, इसके बताएंगे कि यहाँ पे भी तो फ्लाई ओवर और सिंध हुकूमत का कहना है कि हम तो बिला तफरी काम करवा रहे हैं। देखिए काम सिंध गवर्नमेंट बोल रही है तो मैं चले थोड़ी देर के लिए उनकी बात मान लेता हूँ कि हो रहा होगा, लेकिन ये काम तमाम उस वक्त तक बेकार हैं जब तक आप यहाँ के लोगों को जो है यहाँ के मसाइल के ऊपर बरजमान नहीं करेंगे। एक आप सिंध से लड़काना से ला के कहीं से ला के SHO लगा दें, आप खैरपुर और दादू से ला के यहाँ पर लोगों को जो है वो कांस्टेबल भर्ती कर दें, तो उसको क्या पता कि शहर कराची में किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक को मैनेज करना है, सारी चीज़ें करनी है। उसको ये पता है कि मैंने गाड़ी वाले को रोकना है, उसने 100 रुपये मेरे हाथ पर रखने हैं और मैंने जेब में डाल के चले जाना है। एक एक सिग्नल के ऊपर 10-10, 15-15 जो है टोलियों की शक्ल में, जो है जत्थों की शक्ल में खड़े हैं, और जितनी कोशिश है कि हर एक से 100 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये जो है वो जमा करें और जाके रात में जो है बैठ के इनको गिनें, जब तक यहाँ के लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी। जो अलमियाँ तो है, चौकियाँ भी बिकती हैं, तो इस पर आप लोग क्या करें, हुकूमतों को क्या करना चाहिए? आप भी वफाकी हुकूमत के कोलिशन पार्टनर हैं, यहाँ पर तो चौकियाँ बिकती हैं। यहाँ चौकियाँ भी बिकती हैं, यहाँ पर थाने भी बिकते हैं, और यहाँ पे जो है जो मामलात हैं कि मतलब एक एक उसके ऊपर चौक की आप देखें उसका, तो मतलब मेरा ख्याल है कि उसका 10 से 15,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, 2 घंटे का, 3 घंटे का टारगेट होता है। और इस तरीके से वो उस बाइक वाले के ऊपर, उस कार वाले के ऊपर झपटते हैं जैसे उनके हाथ में माले गनीमत। लाजमी सी बात है कि एक को रोक रहे हैं और उसके बाद से 400-500 रुपये उनको मिल रहे हैं, तो उनके लिए तो माले गनीमत ही है। और जिस तरीके से FIR इस पर कट रही हैं, जिस तरीके से चालान हो रहे हैं इस पर, तो ये वो सूरत हाल है कि मतलब आपने कराची शहर का बेड़ा गर्क करने का जो ठेका ले रखा है उस पर पूरी तरीके से अमल दरामद कर रहे हैं। लास्ट में क्या आपकी हिकमत मिली होगी MQM पाकिस्तान की, विफाक की तरफ से कोई आपको उम्मीद है कि, क्योंकि विफाक हुकूमत का कहना हम सिंध हुकूमत को डायरेक्ट बजट नहीं देंगे, तो आप ही ले लें? देखिए मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के तवस्सुत से
वजीर आजम इमरान खान साहब थे कि उन्होंने जो कराची के लिए वादे किए थे, ये मेरी अपनी ज़ाती वो है कि वो इस पर अमल दरामद करवाएं, और वरना ये कराची जो अभी कुछ रोड इसके बाकी हैं, कुछ सड़कें बाकी हैं जिन पर लोग चल सकते हैं। अभी तमाम मीडिया चैनल पर चल रहा है कि गुरु मंदिर से और जो है टी नट्टी तक का जो रोड है वो पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है और तमाम आपके चैनल ही दिखा रहे हैं, तो बाकी रोडों का भी यही हल होगा। और ये कचरा अगर अभी जो बारिश का स्पेल बता रहे हैं कि 20 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक जो है वो शदीद तूफ़ानी बारिशों का स्पेल बता रहे हैं, तो अगर ये कचरा जो आज रोडों पर है ये अगर आज 15 दिन से नहीं उठा क्योंकि ओजेटी डीएमसी इसको नहीं मिली, तो ये जब सैवरेज की लाइनों में जाएगा और ये जब चौक होगा तो ये शहर जो है वो समंदर का ही नक्शा पेश कर रहा होगा। तो इस बैकलॉग को पहले भी ख़त्म करने में बैरिया टाउन ने भी साथ दिया था एमकेएम का, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नालों की सफाई हुई थी, वफाकी गवर्नमेंट ने भी जो है इसमें हिस्सा लिया था, तो तकरीबन 20-30% जो है वो बैकलॉग जो है ख़त्म हुआ था। लेकिन इस 15 दिन में कचरा ना उठने से एक तो इलाकों में ताफुन फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं इसकी वजह से, और दूसरा जब ये नहीं उठ रहा तो बारिश होगी तो ये तमाम जो है वो उन्हीं नालों में जाएगा जिन पर सफाई पर भी अरबों रुपये खर्च हुए हैं। फिर यही होगा कि 6,000 के टैक्स 29,000 में, और एक गाड़ी की जगह उनको 8 गाड़ियाँ उठानी पड़ेगी, तो उसमें डीजल की जो करप्शन है, और ये तमाम मतलब उन तमाम मामलों को इकट्ठा करने के लिए, उन तमाम मामलों को सेट करने के लिए इस किस्म की प्लानिंग की जाती है कि लोगों में पहले जो है वो इंतशार फैलाया जाए, फिर उसके नाम पर जो है लोगों को खड़ा करके कि हाँ यार ये कचरा उठ गया, तो भाई वो कचरा जब एक गाड़ी उठेगा तो उसका खर्चा कुछ और होगा, लेकिन जब वो 15 गाड़ियाँ उठेंगी तो उसका खर्चा कुछ और होगा। हम ये समझ रहे थे कि चले पहले डीसी के ऊपर ज़्यादा बोझ है और डीसी जो है वो इस तरीके से अपनी एफर्ट्स नहीं कर पा रहा, लेकिन अब तो एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए हैं आपने, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर जब लोगों की सैलरी नहीं दे पा रहे तो वो बाकी क्या करेंगे। जी व्यूअर्स, आपने जैसे कि अवामी राय भी सुनी कि मिला जुला रद्द अमल अवाम ने दिया, और एमक्यूएम के रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली गुलाम जिलानी साहब ने भी काफ़ी शिकवे किए सिंध हुकूमत के, तो इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध हुकूमत के पास कि कहां कहां पर वो लैग कर रहे हैं, और जब हम कंटोनमेंट इलेक्शन को भी देखते हैं तो भी कराची से तो अवाम ने वोट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन शिकायतों का अजाला क्या है? जिस तरह अवाम ने बताया कि जहां जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक नहीं है वहां पर काम नहीं करवाया जा रहा, और अलबत्ता जब हम सिंध हुकूमत को सुनते हैं तो बिला तफरीक काम करने की बातें की जाती हैं। दानिश जीनिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। और सबसे पहले सर मुबारकबाद भी हो, आपने इलेक्शन भी जीता, और कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। मैं आपको बताता चलूँ कि आफ्टर 35 ईयर्स हमने ये सीट निकाली, और बात वही थी ना, हमारे पास पहले सीट थी ना बजट्स थे, हमने डिलीवर किया ग्राउंड में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया और लोगों ने उसका रिजल्ट दिया। हम लोग 18+6 वोट से जीते हैं, तकरीबन 26-27 वोट से। कंटोनमेंट इलेक्शन में मतलब आप लोगों को कुछ सीटें कराची में बढ़ी हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर आप लोगों का वोट बैंक नहीं है क्या वहाँ काम नहीं करवाते? डेफिनेटली वहाँ पे भी काम जारी है बिल्कुल। हमारे वार्ड थ्री के अंदर हमारे कैंडिडेट थे, बड़े अच्छे कैंडिडेट थे, उन्होंने 600 वोट्स लिए, जो कि अगर आप पहले की हिस्ट्री उठा के देखें तो वो 200 तक होते थे, तो उन्होंने 600 वोट्स लिए। कुछ आवाम से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत 13 साल से विराजमान है सिंध में, लेकिन जो काम करना चाहिए था अभी तक वो नहीं हो पाया, क्या आपको रुकावटें? ठीक है आप विफाक भी पेमेंट रोकता है आपकी, लेकिन विफाक को भी टेबल पे लाना तो आपका काम है, 18th अमेंडमेंट के बाद तो आप खुद मुख्तार हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऑब्स्टिकल्स तो हैं हमारे सामने, लेकिन हम लोग ने बड़ा अच्छा एक कमबैक किया है जहाँ तक हमसे हो सकता है, क्योंकि कंटोनमेंट के एरिए को आप थोड़ा सा समझें कि वहाँ पे काम कराना इतना इजी नहीं है। अगर कोई भी हम लोग वहाँ पे काम करते हैं सिंध गवर्नमेंट का कोई भी इदारा, तो कंटोनमेंट जो है वहाँ पे आके उनकी परमिशन लेना ज़रूरी होती है, लेकिन फिर भी हमने उनको मिला के साथ चले और काफ़ी काम किए हैं। बजट्स के इशूज़ हैं, बट पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया है कराची के अंदर। कराची कंटोनमेंट बोर्ड की स्पेशली मैं बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ एमक्यूएम की 2 सीटें हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अलायंस बना रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे पास 3 सीटें हैं। इस तासुर को कैसे ख़त्म किया जाए? ठीक है मतलब दीगर पार्टियां, आप मुकाबला परफॉर्मेंस पे वोट होना चाहिए, लेकिन गटर बंद कर देना या मसाइल को खुद पैदा करना, इस चीज़ को भी तो ख़त्म किया जाए, परफॉर्मेंस पे वोट हो। बिल्कुल परफॉर्मेंस का वोट होना चाहिए। 12 तारीख को इलेक्शन हुआ है और 13 तारीख को हमारे मोहल्ले के अंदर इंटेंशनली गटर ब्लॉक कर दिए गए,
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो खुलवा दिए हैं, लेकिन ये चीज़ें तो होंगी क्योंकि रोना धोना तो चलेगा ना, 30-35 साल की सीट है तो रोने का तो हक बनता है एम के अंदर। आगे क्या आपके प्लान्स हैं आगे? हमारे यही प्लान है, इंसानियत की खिदमत करना, लोगों का काम करवाना, और हम इस पर बिल्कुल हमारा बहुत क्लियर है। किस तरह के मसाइल हैं? जब हम गए तो मतलब सड़कें टूटी हुई हैं, बनती हैं, टूट जाती हैं, नाकिस मटेरियल होता है या मनपसंद लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इस तरह भी तो अकरबा परवरी भी तो देखी जा रही है। देखिए सर, जहाँ तक मैं अपने वार्ड 1 की बात करता हूँ कराची कंटोनमेंट की, अभी तक तो हमने ओथ भी नहीं लिया, इंशाल्लाह वेरी सून वी आर गोइंग टू टेक ओथ। उसके बाद हमने देखना पड़ेगा हर चीज़ के अंदर के, क्योंकि 30-35 साल का अरसा है, डेफिनेटली वेंडर्स भी अपने होंगे, इनके 10 चीज़ें अपनी होंगी, तो हम उसको स्क्रूटनी करके उसको फाइंड आउट करेंगे, और बजट्स भी सिंध गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी और कराची कंटोनमेंट से भी लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत पे भी बात कर लेते हैं। आगे आप कैसा देख रहे हैं, पीडीएम से भी आप लोग अलग हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आगे का क्या लाए अमल होगा? और कश्मीर से भी आप सीटें जीत रहे हैं, पंजाब में इस वक्त डेरे डाले हुए हैं, कितना रिस्पॉन्स मिलेगा आपको पंजाब में? देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पीडीएम का वो सब हमारे भाई, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, लेकिन द इशू इज़ अगर पाकिस्तान के मफाद में अगर कोई बात होती है, आवाम की लिए जो चीज़ बेहतर होगी, हम उस पर मिल के चलने को बिल्कुल तैयार हैं, और जमहूरियत को उससे अगर कोई नुकसान नहीं होता है तो हम उसके साथ उनके साथ मिल के चलने को तैयार हैं बिल्कुल। हुकूमत टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा रही है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ला रही है, आप लोग अभी तक उस पर मुतफिक नज़र नहीं आ रहे? वो मुझे नहीं लगता कि इट्स सेफ़ अभी तक, क्योंकि अगर होता तो डेफिनेटली US या दूसरे कंट्रीज़ में भी ये इम्प्लीमेंट हो चुका होता, और ये अभी तक हमारे पाकिस्तान में मैं आई डोंट थिंक सो कि ये परफेक्ट है, और इस पर अभी काफ़ी काम बाकी है। आप कोई तजावीज़ दें ना उनको? अभी हम देख रहे हैं कि मतलब वफाकी हुकूमत को बहुत संजीदा नज़र आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि अपोजिशन हमारा साथ नहीं दे रही अच्छे इकदाम पे, तो आप लोग अपनी या तो तजावीज़ दें कि ठीक है उसमें मशीन में कोई कमी है तो आप उसको ठीक तो करवा सकते हैं। लेकिन आपकी जो बात कर रहे हैं आप एडवाइसेस वगैरह की, ये अगर मेरे सामने हो तो डेफिनेटली आई कैन एडवाइस समथिंग, बट ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को और ये इलेक्शन कमीशन को इन्होंने प्रेजेंटेशन दी हैं, अगर हमारे मेंबर्स को दी होती तो हम उस पर एडवाइस दे सकते थे। दोबारा इत्तेहाद हो सकता है आपका, जिस तरह नाराज़गी आप चल रही हैं और मौलाना साहब सरबरा पीडीएम शिकवे कर रहे हैं और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर वो काफ़ी मतलब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमारे चेयरमैन साहब का इत्तेहाद किसी से भी हो सकता है, हमने सब हमारे भाई हैं, पाकिस्तान की मफाद के लिए, आवाम के लिए अगर कुछ बेहतरी का है तो हम मिल के हर किसी के साथ चलने को तैयार हैं। फॉर्मूला तो सेट किया होगा जी सब, किन बुनियादों पर आप चलेंगे? क्योंकि हमने देखा है इत्तेहाद तो बनते हैं, लेकिन जिस तरह अपोजिशन इस वक्त हम देख रहे हैं हुकूमत को, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने खुद 5 साल पूरे कर रहे हैं, मतलब देने दे रहे हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं जी हुकूमत को हम पूरा नहीं करने देंगे टाइम। देखें, हुकूमत की जहाँ तक मैं बात करूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जमहूरियत को किसी भी तरह का हम नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो अपने पूरे टेन्योर अपना पूरा कंप्लीट करें, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, आप आवाम की रिलीफ को देखें, आप देखें डॉलर कहाँ पहुँच गया, हमारी एक्सपोर्ट कोई ज़्यादा कुछ नहीं बेहतर मुझे नज़र नहीं आ रही है, इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है, तो इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ हुकूमत सही करे तो डेफिनेटली आने वाले इलेक्शन के अंदर लोग देखेंगे ना, परफॉर्मेंस के ऊपर बात होगी। आपको फिर कैसे विन करेंगे? इस वक्त आप मतलब ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में ज़्यादा एक्टिव है, आपने जनूबी पंजाब में भी जलसे किए, कितनी और शमूलियतें होनी हैं? बलोचिस्तान में तो सनाला ज़हरी समेत बहुत सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, पंजाब में भी कुछ है इम्कान? जस्ट वेट एंड वॉच, इसका आंसर मैं आपको सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ। लास्ट मेरा सवाल कि शहर कायद पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान हम इसको कहते हैं, यहाँ पर अब वफाकी हुकूमत ग्रीन लाइन बसेस ला रही है, ये तो आपको लानी चाहिए थी। सर, अच्छी बात है, जो अच्छा काम करेगा वो डेफिनेटली लेके आए, लेकिन आप इस चीज़ को भी तो याद रखें ना कि गवादर का इनिशिएट किसने लिया, गवादर का इनिशिएट भी तो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने लिया था, उसको कोई आज अप्रिशिएट इतना नहीं करता है। ग्रीन लाइन बसेस आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ये लेट हो चुकी हैं ड्यू टू द बजट। ये राय दुरुस्त है, सिंध हुकूमत ने सफरी सहूलियात आवाम को अभी तक नहीं दी, आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी काफ़ी देर कर दी? जी बिल्कुल है, इंशाल्लाह आप दुआ करें 2023 में MPA के इलेक्शंस होंगे तो फिर उसको
बाद मैं ये चीज़ें असेंबली में डेफिनेटली उठाऊंगा। ये थे दानिश जीनिया साहब और बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि जो सफरी सहूलियात जिस तरह वफाक कराची की आवाम को दे रही है, मुमकिन है कि फ्यूचर में सिंध हुकूमत भी जहाँ जहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी या जहाँ पर अभी तक ताखीर हो गई है और जहाँ पर काम नहीं हो सका वो भी काम किया जाए। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।